एल पावर टी इंटू साई ऑफ एच के, ये हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन है और ये बराबर है एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एच टी रेल पावर एन। इट फॉलोज दैट, तो सेम वही पैटर्न है। इसमें हमारे पास क्या है जी, वहाँ पे हमने लिखा था जी एन ऑफ एच एन को जीरो पर गया था, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है एफ एन ऑफ एक्स से, और एन जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब अगर गौर करें तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, सपोज किया है कि जो हमारे पास डिमेज फंक्शन था, ठीक है ना, ई रेज पावर थ्री आई ऑफ एक्स थ्री, उसको किस चीज़ के बराबर रख दिया, एफ। सेम वही प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने क्या लिया था, पार्शल एफ ओवर पार्शल एच लिया था, और यहाँ पे भी पार्शल एफ ओवर पार्शल एच ले लिया, फिर पार्शल एफ ओवर पार्शल टी लिया था, बाकी सारे ऑपरेशन वही किए हैं, जस्ट फंक्शन में नोटेशन का फर्क है, जस्ट डिफरेंस क्या है, नोटेशन का। सेम चीज़, सेम चीज़। अब इसमें इक्वेशन टू में सिर्फ हमारे पास क्या है जी, रिप्रेजेंटेशन चेंज है, जो प्रोसेस है वो सेम है, रिप्रेजेंटेशन चेंज है, प्रोसेस क्या है, सेम है। अब इसमें इक्वेशन थ्री में हमने क्या फाइंड किया है, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, फिर पार्शल एफ ओवर पार्शल टी, ये वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, उसको नाम हमने क्या रखा है, इक्वेशन थ्री का। अब लास्ट में हमने क्या लिया था, जी डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पे हम किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, साई डैश, साई डैश की वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाल दी, यहाँ से भी निकाल दी, यहाँ ये और ये इक्वेशन फोर हमने दे दिया। इक्वेशन फोर को अगर आप डाल करें तो उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, लिहाजा हम उनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, उनको सिंपलीफाई कर दिया, यही क्या है ना, ये जो डिनोमिनेटर वेक्टर थी हम इसको इस फॉर्म, बाकी सारी चीज़ें क्या है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन फाइव आ दिया है। इक्वेशन फाइव के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास क्या आती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एच था, और दूसरा हमारे पास क्या आती है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। थैंक यू। असल में बस थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा वो बिल्कुल ही ठंडा है, ताज़ा पानी चाहिए, ताज़ा उधर से लिया मैं ऑफिस से लेकर, क्योंकि ये ठंडा पानी वो तो मजीद उसे खांसी होगी। अच्छा, अब अगर गौर करें जो हमारे पास इक्वेशन शुरू थी उसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यू थी ना, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी हमने लेना है, लास्ट में भी हम ऐसे लिया था, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें करने के बाद हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, और इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो कहाँ पे, जरा गौर करें यहाँ पे हमारे पास टी रेज पावर एन है, यहाँ पे टी एन माइनस वन है, और यहाँ पे भी टी रेज पावर एन प्लस वन है, ऐसे है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एन को एन माइनस वन इन थर्ड सीरीज, यहाँ पे एन प्लस वन था उसमें हमने क्या किया है, और यहाँ पे एन माइनस वन है उसको हम क्या करेंगे, एन प्लस वन प्लेस कर देंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, ऐसे है ना। अच्छा, जब हम इसको तो ये दो वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू चूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इनको कोएफिशिएंट को तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसमें टी रेज एन वेरी फुट कर रहा है जीरो टू इंफिनिट, हम जीरो वाला केस अलग कर लेते हैं, बाकी अलग कर लेते हैं। जब जीरो वाला केस हमारे पास आएगा एफ टू डैश जीरो ऑफ एच, ये बराबर है जीरो को, तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू बचेंगी, और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन था जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ जाएगा। तो इससे कोई रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
एनी रेलिवेंट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है।